अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आई एम सईद काम नदीम आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास नाइन्थ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द किंगडम फनजाय स्टूडेंट्स हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा और हमने ये पढ़ा था कि किंगडम प्रोटिस्टा से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटिस्ट कहते हैं ये प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक होते हैं मतलब यूकेरियोट्स होते हैं यूकेरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो के यूकेरियोटिक सेल्स से बने होते हैं मतलब ऐसे सेल्स जो के वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं और इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं साथ ही साथ प्रोटेस्ट यूनिसेलर होते हैं और सिंपल मल्टी होते हैं यूनिसेलर का मतलब कि ये एक सेल से बने होते हैं और कुछ प्रोटेस्ट सिंपल मल्टी होते हैं मतलब बहुत सारे सेल से बने होते हैं मगर अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो वो सिंपल होते हैं और हम ये देखते हैं कि ये एम्ब्रूज भी फॉर्म नहीं करते अपने लाइफ साइकिल में इसके अलावा हमने अपने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि प्रोटेस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसा कि एनिमल लाइक -like प्रोटेस्ट प्लांट लाइक प्रोटेस्ट और फंजय लाइक प्रोटेस्ट हमने पढ़ा कि प्रोटेस्ट की एग्जाम्पल्स में एल शामिल है एमीबा शामिल है और हमने ये भी देखा कि इनकी लोकोमोशन कैसे होती है और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हम देखते हैं कि कुछ प्रोटेस्ट ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं जैसे कि एल अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है लेकिन साथ ही साथ कुछ प्रोटेस्ट ऐसे भी हैं जो कि हेट्रोट्रॉफिक होते हैं मतलब अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते जैसे कि फनजय लाइक प्रोटेस्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया किंगडम जो कि है किंगडम फनजय स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि किंगडम फनजय से ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं फंगस फंगस में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म्स या फंगस प्रोकैरियोटिक होती है या यूकैरियोटिक होती है तो यूकैरियोटिक होती है फंगस और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है कि ये यूकैरियोट्स हैं मतलब यूकैरियोटिक सेल्स से बने हैं स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं ऐसे सेल्स जो के वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं और इनमें मौजूद होती हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि फंगस यूनीलुलर है या मल्टी तो हम यहाँ पर एक डिस्टिंक्शन देखते हैं और वो डिस्टिंक्शन ये कि फंजय से ताल्लुक़ रखने वाली यीस्ट यानी जो कि एक फंगस है यूनिसेलुलर होती है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई है यीस्ट आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि हम बेकरी में भी यूज़ करते हैं या घर में अगर हमने पिज्जा बनाना है या फिर हमने इंडस्ट्री में वाइन या बियर बनानी है तो भी हम यीस्ट यूज़ करते हैं यीस्ट ऐसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो के कॉलोनीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है हम ये देखते हैं कि यीस्ट की एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ी है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में और यीस्ट एक फंगस ही है मगर यूनी इसके साथ साथ अगर हम फंगस को देखें तो फंगस मल्टी भी होती है मतलब मल्टी का मतलब ये हुआ कि फंगस बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी हुई है हम देखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि फंगस में दो टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशंस पाई जाती हैं यानी यूनिसेलुलर और मल्टी और यीस्ट योनियल ऑर्गेनाइजेशन भी शो करती है इसके अलावा अगर हम फंगस की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें यानी यह ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉफिक है मतलब क्या फंगस अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकती है तो बिल्कुल नहीं फंगस अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती क्योंकि फंगस के सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता और फंगस फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती फंगस हेट्रोटॉफ है और ये डिफ्रेंट टाइप के हेट्रोट्रॉफ है मतलब एब्जॉर्पटिव हेट्रोट्रॉप एब्जॉर्पटिव हेट्रोट्रॉफ का मतलब यह है कि फंगस दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करेगी और ये एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रेंस को फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स बॉडी मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की सर्फेस से न्यूट्रंस एब्जॉर्ब करेगी और इसीलिए हम इसको कहते हैं एब्जॉर्पटिव हेट्रोट्रॉफ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो फंगस में डिफरेंट टाइप्स की रिप्रोडक्शन पाई जाती है जैसे कि बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन और इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन अगर हम बर्डिंग की बात करें तो फंगस की हाइफी डिफरेंट बर्ड्स बनाती है यानी कि आउटग्रोथ्स बनाती है ये आउटग्रोथ्स जब अलग होंगी फंगस की बॉडी से तो ये नई फंगस में डेवलप हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर ये आउटग्रोथ या बर्ड अटैच रहेगी फंगस की बॉडी से तो ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करेगी जैसे कि यीस्ट में भी हम देखते हैं इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि फंगस में फ्रेगमेंटेशन भी होती है इसका मतलब ये है कि फंगस की बॉडी डिफरेंट पीसेस में या फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी और हर फ्रेगमेंट यानी हर बॉडी का पीस एक नई फंगस डेवलप करने के काबिल होगा इसी तरह फंगस में स्पोर फॉर्मेशन भी होती है और ये स्पोर्स जब भी अपनी फेवरेबल कंडीशंस पर लैंड करेंगे तो वहाँ पर फंगस की ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे जैसे कि हम देखते हैं अक्सर फ्रूट्स को जहाँ पर फंगस ग्रो होती है साथ ही साथ अगर हम राइजोपस की एग्जाम्पल लें तो ये भी एक टाइप है फंगस की जो अक्सर आपको ब्रेड पर नज़र आती है हम ये देख सकते हैं के ब्रेड के स्लाइस पर एक नेटवर्क लाइक मटेरियल आपको नजर आएगा जो कि ग्रीन ब्लैक ब्राउन या वाइट कलर का होगा और ये है फंगस जिसका नाम है राइजोपस हम ये देखते हैं कि आपको अक्सर स्पोर्स भी फंगस पर नजर आते हैं और यही स्पोर्स जब दूसरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स या किसी भी फूड मटेरियल पर लैंड करेंगे और उनको अपनी फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होंगी यानी उस फंगस की ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर, जो पीएच और बाकी जो भी कंडीशंस उसको चाहिए वो मौजूद होंगी तो ये फंगस करेगी ग्रोथ और फिर हमारा फूड खाने के काबिल नहीं रहेगा चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो वेजिटेबल हो या कोई भी दूसरा फूड आइटम हो हम ये भी देखते हैं कि फंगस जहाँ पर बहुत नुकसानदेह है और डिफरेंट डिजीज़ेस कॉज करती है प्लांट्स में एनिमल्स में और बाकी ऑर्गेनिज़म्स में वहाँ फंगस बहुत फ़ायदेमंद भी है मतलब हम फंगस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फूड के लिए यानी फंगस एडिबल भी है यानी खाने के काबिल भी है जैसे कि हम यूज़ करते हैं ट्रफ़ल्स को और साथ साथ मशरूम्स को तो मशरूम्स को हम यूज़ करते हैं सूप बनाने में भी और इसके अलावा डिफरेंट डिशेस में इसके अलावा हर फंगस एडिबल नहीं है क्योंकि फंगस पॉइजनस इन नेचर भी है कुछ फंजाइ की टाइप्स ऐसी हैं जो कि पॉइजनस होती है और जब हम उनको खाते हैं तो हमारी एक स्लाइस से भी डेथ हो सकती है यानी अगर हम छोटा सा भी पीस या छोटा सा भी एक टुकड़ा फंगस का खा लेंगे जो कि पॉइजनस है तो हमारी उस एक स्लाइस ऑफ फंगस से भी डेथ हो सकती है इसलिए हमने वही फंगस एज अ फूड इस्तेमाल करनी है जो कि पॉइजनस नहीं है और एडिबल है जी स्टूडेंट्स तो हमें पता है मोस्ट फनजय आर डिकम्पोजर्स दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटीरियल सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स फॉर्म बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि फनजय ऑर्गेनिक मटीरियल पर रहते हैं और ये उस ऑर्गेनिक मटीरियल से अपने न्यूट्रियस हासिल करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं ये फन इसके अलावा स्टूडेंट्स हम अगर ये देखें कि फंगस किस किस तरह एग्जिस्ट करती है या किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो एनवायरमेंट में फंगस फ्री लिविंग भी है पैरासिटिक भी और साथ ही साथ सिम्बियोटिक भी मतलब हम ये देखते हैं कि अक्सर फंगस फ्री लिविंग यानी इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं लेकिन कुछ फंजाई की टाइप्स ऐसी हैं जो के पैरासिटिक हैं और पैरासाइट का मतलब हमें पता है पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो के किसी और ऑर्गेनिज्म यानी अपने होस्ट से शेल्टर मतलब रहने की जगह और फूड यानी के खाना लेता है मगर बदले में उस ऑर्गेनिज्म या फूड को नुकसान पहुंचाता है मतलब हम ये कह सकते हैं कि पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने होस्ट या दूसरे ऑर्गेनिज्म से रहने की जगह और खाना ले रहा है मगर बदले में उस होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर उस होस्ट में डिज़ीज़ कॉज कर रहा है स्टूडेंट्स ऐसी फंजाय को हम कहते हैं पैरासिटिक और बहुत सारी टाइप्स फंजाय की ऐसी हैं जो कि हमारी स्किन में भी या हमारी स्किन पर इंफेक्शनस कॉज करती हैं या हमारी बॉडी के लिए डिजीज़ कॉजिंग है इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि फंजाय सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी नजर आती हैं और अगर हम फन की एक एग्ज़ैम्पल लें तो वो है माइकोराइजल फनजय माइकोराइजल फंजाई ऐसी फंजाई होती है जो कि आपको प्लांट्स और फंजाई की एसोसिएशन में नज़र आती है और हम देखते हैं कि ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है मतलब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें प्लांट्स फंजाई को फायदा पहुंचाएंगे और जो फंगस है वो प्लांट को फायदा पहुंचाएगी कैसे कि फंगस प्लांट की बॉडी पे रहेगी उससे शेल्टर लेगी और एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स सॉइल से और फिर ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी उस प्लांट को जो के फूड प्रिपेयर करेंगे इन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके और फिर ये फूड या ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी फंगस इसका मतलब ये हुआ कि फंगस इस प्लांट से ले रही है शेल्टर और फूड और इन रिटर्न उसको भी पहुंचा रही है न्यूट्रिएंट्स। इसको हम पैरासिटिक फंगस नहीं कह सकते क्योंकि इस रिलेशनशिप में फंगस उस ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचा रही है नुकसान नहीं पहुंचा रही तो हम ये कहते हैं कि प्लांट और फंगस की ये रिलेशनशिप म्यूचुअलिस्टिक है और ओवरऑल हम इस रिलेशनशिप को कहेंगे सिम्बियोसिस स्टूडेंट्स आज हमने फंगस को डिटेल में स्टडी किया अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बाकी किंगडम्स को डिटेल में जैसे कि किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब अच्छी तरह पता चल गया होगा कि फंजाई के क्या फ़ायदे हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि फ़न एडिबल भी है और नॉन एडिबल भी यूकेरियोटिक है मल्टी सेलुलर भी है और यूनीलुलर भी है जी स्टूडेंट्स तो अब मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेस्ट ले लेती हूँ ताकि मुझे ये पता चल सके कि किंगडम फंजाई आपको किस हद तक समझ आ गया है हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है राइट डाउन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि फंजाई की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बताएं तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि फंजाई यू होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये यू केट्स होते हैं यानी यू केटिक सेल्स बने होते हैं और हमें पता है कि यूकेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन प्रेजेंट होती हैं फनजा मल्टी सेलर होते हैं इसका क्या मतलब है कि फनजय ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वॉट इज़ एडिबल फनजय तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने एडिबल फनजय के बारे में पढ़ाया कि बहुत सारी फंजय की ऐसी टाइप्स होती हैं जिनको के हम खा भी सकते हैं यानी एज फूड यूज़ कर सकते हैं तो एडिबल का मतलब है ईटेबल यानी कि ऐसी फनजए जो के एज़ फूड हम यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं एडिबल फनजाय जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ी मशरूम्स की तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मेड बाय एबजॉप्टिव हेटरोट्रॉफ्स तो यहाँ पर एब्जॉप्टिव हेटरोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि फनजय अपने फूड को या न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है एब्जॉर्ब करती है फंजे ने जहाँ यानी जिस भी होस से या ऑर्गेनिज्म से अपना फूड हासिल करना होता है तो ये उसकी बॉडी पर ग्रो करती है और अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स को उसकी बॉडी से एब्जॉर्ब करती है जैसे अगर हम एनिमल्स की एग्जाम्पल लें तो हम यानी एनिमल्स जो होते हैं या ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉप्स होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने फूड की इनटेक करते हैं अपने ओरल कैविटी से लेकिन फंजय के केस में जो है वो कोई ओरल कैविटी नहीं होती इसलिए ये अपने फूड या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये एब्जॉर्पटिव हैट्रोटॉप्स हैं यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपने फूड या न्यूट्रेंट्स को होस्ट की बॉडी से एब्जॉर्ब करते हैं इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक और जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है वो क्या है फंज़े आर डीकम्पोजर जस्टिफाई द स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि फंज़े मोस्टली फंज़े जो होते हैं वो क्या होते हैं डिकम्पोज़र्स होते हैं और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिकम्पोज़र्स का मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल अगर प्रेजेंट है तो फंजाय वहाँ पर ग्रो करेंगे उस ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो करेंगे और अपनी बॉडी से रिलीज़ करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन ऑर्गेनिक मटेरियल में प्रेजेंट लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स फनजय की बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज़ करेगी अपने फूड के तौर पर इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को जैसे कि पता है कि हमने शॉर्ट क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए कि इस टॉपिक यानी फनजय जो किंगडम फनजय आपने पढ़ा है इससे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं अब मैं चलती हूँ अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जो कि आपसे कैसे पूछा जा सकता है राइट नोट ऑन किंगडम फनजय तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना क्या है कि आपने मार्कर से हेडिंग देनी है किंगडम फंजय की इसके बाद आपने जो है वो हेडिंग्स बनानी है और वो कौन सी हेडिंग्स हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है फंगस की कि वो यूकेरियोटिक है मल्टी सेलुलर है इसके अलावा हम देखते हैं कि आपने इसके बाद जो हेडिंग बनानी वो है मॉडर्न न्यूट्रिशन की कि ये एब्जॉप्टिव हेट्रोटॉफ है और फिर आपने जो है वो फंगस की एग्जाम्पल की हेडिंग बनानी है इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आपने ये भी हेडिंग बनानी है कि फनजाए जो है वो क्या होते हैं मोस्टली डिकम्पोज़र्स होते हैं और इन हेडिंग्स के साथ आपने अच्छे तरीके से किंगडम फनजा को एक्सप्लेन करना है तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों ने ये छोटी सी एक्टिविटी करनी है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आपने प्रिपेयर करने और इनकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी है स्टूडेंट्स हमने देखा आज किंगडम फंजाय किंगडम फंजाय से रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हमने देखे कि ये यू होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोटॉप्स होते हैं मतलब ये अपना फूड ख़ुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज़म्स की सरफेस से किंगडम फन जाए से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म्स डिकम्पोजर्स होते हैं हम देखते हैं कि अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किंगडम्स को मतलब किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी को उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा طب تكلي الله حافظ.